तो भी आप स्क्रीन पे मेरी रैंक देख सकते हो एंड आज है हमारा रैंक पुशिंग का 21वां दिन एंड आज वाले मैच में भी तबाही मचाएंगे कोनकर लोबी में। तो सबसे पहले उतरते हैं इवेंट वाली लोकेशन पे एंड उतरते ही मुझे यहाँ पर हनी गन मिलती है। अब यहाँ पर मेरे सामने दो बंदे थे, एक को तो मैंने मार दिया, दूसरे की बारी, दूसरे को भी मैं आराम से मार देता हूँ। तभी मैं सोचता हूँ कि कवर में चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदे थे। छोटे वाले मैप में आप देखोगे तो 8 बंदे यहीं पर मेरे आसपास हैं। तभी मेरे को फायर का साउंड आता है, मेरे ऊपर ही बंदा फायर कर रहा था, सामने की तरफ मुझे उसका टकला दिख गया था तो मैंने सोचा चलो इस पे पुश करते हैं सीधा। तो यहाँ पर हल्की फुल्की लूट उठाने के बाद, नेट वगैरह उठाने के बाद सीधा मैं घुसने की सोचता हूँ। अब यहाँ पर जो बंदा था पहले बॉक्स के पास था बट अब वो पीछे की तरफ चला गया था, तो यहाँ पर मैं सीधा पुश कर देता हूँ इस वाले बंदे पे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नेड करता हूँ, नेड करने के साथ साथ मैं एक मोली भी कर देता हूँ। मोली करने के बाद मुझे समझ में आ गया था वो कहाँ पर, मैं एक और मोली करता हूँ। अब जैसे ही मैंने हल्का सा डैमेज दिया मैं मोली करता हूँ एक और। अब ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था भाई, चाहता तो मार सकता था। इस वाले बंदे को काफी गंदा मारा। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मैं ज़ोंबी को भी मार देता हूँ एंड अपनी हेल्थ वगैरह फुल करके निकलते हैं और बंदों को ढूंढने के लिए, क्योंकि 8 बंदे अभी भी थे यहाँ पर आप छोटे वाले मैप में देखोगे तो। हेल्थ वगैरह फुल करने के बाद यहाँ पर मैं रीलोड वगैरह कर ही रहा था तभी मुझे साउंड आता है किसी का एंड ये निकलता है एक बोट। इस वाले बोट को मारने के बाद अपने हो जाते हैं 4 किल, थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं तभी मेरे पे फायर का साउंड आता है, मैं सीधा पुश कर देता हूं बंदे पे। अब जो बंदा था मेरे बिल्कुल आगे की साइड था, मुझे साउंड भी आ गया था बट ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। जैसे मैं इस पे पुश करता था ये दूसरी तरफ चला जाता था। अब यहां पर मैं नेड करता हूं तो मेरे पे पुश कर देता है, मैं प्री फायर देता हूं, बंदा मुझे डैमेज देता है। इस वाले बंदे को आराम से मारते हैं, फिर हेल्थ लगाते हैं, फिर यहाँ पर अभी 2 बंदे और थे, एक तो मैं ही था, एक और बंदा था जिसे मुझे मारना था। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला बंदा था उसे मैं काफी देर से ढूंढ रहा था तभी मुझे गाड़ी का साउंड आता है, मैं मारने की कोशिश करता हूँ। अब इस वाले बंदे को मैं एक हेड कनेक्ट करता हूँ बट इस वाले बंदे को मार नहीं पाता, निकल चुका था बंदा इस वजह से मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तभी मुझे पीछे की तरफ से साउंड आता है, मैं सीधा घुस जाता हूँ पीछे वाले बंदे को ढूंढने के लिए। अब जो पीछे वाला बंदा था वो ओपन में था, मैं लेट के देखने की कोशिश करने ही वाला था तभी मुझे पीछे से साउंड आता है एंड ये निकलता है एक बोट जिसे मैं आराम से मार देता हूँ। अब जो रियल प्लेयर था वो ओपन में था, वो कहीं भाग रहा था, पता नहीं कहाँ भाग रहा था बट उसकी गोलियों के साउंड से मुझे पता चल गया था। अब यहाँ पर आप देखोगे फिर से मेरे नजदीक कोई है, तभी ऊपर लिखा हुआ है 2 प्लेयर हैं इस एरिया में। तो अब यहाँ पर 2 प्लेयर हैं, एक तो मैं हो गया, एक और कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं ढूंढता रहता हूँ बट बंदा मुझे दिखता नहीं है कहीं पर भी। तभी मैं एक बंदे को डैमेज देता हूँ जिसका मुझे साउंड आया था एंड अंधा रश कर देता हूँ इस वाले बंदे पे। इस वाले बंदे को हम आराम से मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर सारे बंदे खत्म हो चुके थे, मैंने सोचा कि चलो इसकी पेटी लूट के निकलेंगे। तभी फिर से यहाँ पर 2 प्लेयर लिखा आ जाता है, मतलब एक और बंदा यहाँ पर आ चुका था, 7 किल अपने हो गए थे तो मैंने सोचा चलो इसको मारते हैं। तभी वो प्लेयर दूर चला जाता है, फिर से नजदीक आ जाता है क्योंकि ऊपर की तरफ ध्यान रखना, कभी एक प्लेयर हो जाता है कभी 2, कभी एक कभी 2, मुझे समझ में नहीं आ रहा था बंदा है कहाँ पर। अब बंदे को मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था तभी मुझे एक बोर्ड दिखता है, इस वाले बोट को मैं आराम से मार देता हूं। इस वाले बोट को मारने के बाद पता चलता है कि भाई यहां पर कोई रियल प्लेयर नहीं था, एक बोट ही था जो कि इतनी देर से मुझे परेशान कर रहा है। इस वाले बोट को मारने के बाद रीलोड वगैरह करते हैं फिर इधर से निकलते हैं। अब यहां पर मैं निकलने की सोच ही रहा था तभी यहां पर एक और बंदा आ जाता है, भाई मैं यहां से निकल ही नहीं पाता हूं। एंड आपको लग रहा होगा कि बोट मैंने 2-3 ज्यादा मार दिए, तो आपको मैं बता दूं कोनकर लोबी में चलता है क्योंकि इस वाले मोड में बोट ज्यादा आते हैं क्योंकि रिकॉल वाला ऑप्शन काफी अच्छा है इसमें। इस वाले बंदे को मैं आराम से मार देता हूँ, इस वाले बंदे को मारने के बाद अपने 9 किल हो जाते हैं। अब इस वाली लोकेशन पे अगर आप जंप करते हो एंड होल्ड कर करके मारते हो ना बंदों को, तो आपको बोट भी ज्यादा मिलेंगे एंड रियल प्लेयर भी ज्यादा मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको पता भी चल जाता है कि आपके एरिया में कितने बंदे हैं। अब यहाँ पर देखोगे छोटे वाले मैप में तो एरिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि मैं हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी इस वाले मोड की।
तो कॉर्नर पुश करने वालों के लिए बहुत सही चीज है, कोई कैम करके बैठा रहेगा तो बंदे को पता तो होगा कि इस एरिया में बंदे हैं, तो ये चीज काफी सही लगी। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी दो दिन बाद नया सीजन आ रहा है तो भाई इस वाले मोड में रैंक पुश करने का मजा काफी आने वाला है। बाकी अभी के लिए लूट वगैरह करके निकलते हैं, काफी देर से मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं बट कोई ना कोई आ ही जाता है, फिर फाइट करनी पड़ती है। तो 9 किल अपने हो गए थे एंड अब मैं रिस्क नहीं लेने वाला, तो इधर से निकल के मैं सेफ खेलूंगा थोड़ा सा। अब यहां पर मैंने सोचा था कि मैं सेफ खेलूंगा, तभी मुझे एक लैम्बोर्गिनी दिखती है, तो मैं सोचता हूं कि इस वाले बंदे से फाइट करते हैं। अब ये वाला बंदा मेरे पे फायर करता है, जैसे ही मैं इस पे फायर करता हूं ये भाग जाता है, तो मैं सोचता हूं कि चलो अपनी गाड़ी उठा के इसे पकड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी उठा के सामने वाली पहाड़ी पे जाने की सोचता हूं, क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी वाला कवर में रुका था, तो मैंने सोचा चलो इसकी लैम्बोर्गिनी ही फोड़ देते हैं एंड इसको निकलने ही नहीं दूंगा जोन में। भाई इसके साथ मेरी जो फाइट है वो कम से कम 5 मिनट तक चली है, ना ये बंदा मुझे मार पाता है ना मैं इसे मार पाता हूं, बट मैं इसे डैमेज बहुत ज्यादा देता हूं। मैंने कितनी बार डैमेज दिया मैं आपको दिखाता हूं। भाई ये बंदा बचा कैसे मुझे नहीं पता, सामने उसकी लैम्बोर्गिनी आपको दिख जाएगी। देखो अब यहां पर देखना, मैं इसे डैमेज दूंगा, एक बार डैमेज दिया, दो बार डैमेज दिया, देखते रहो भाई कितना डैमेज देता हूं इसे मैं। यहां पर मैं फिर से डैमेज देने वाला हूं, देखो भाई यहां पर तो वो लगभग मरने वाला था बट एन मौके पे वो कवर में चला जाता है। फिर से मैं इसकी गाड़ी डैमेज करने लग जाता हूं। अब यहां पर मैं इसकी गाड़ी डैमेज कर ही रहा था तभी दोबारा दिखता है। अब यहां पर इसने मुझे भी डैमेज दिया, मैंने इसे भी डैमेज दिया, तो यहां पर तो चलो बराबरी हो गई। अब यहां पर देखना भाई कितना गंदा डैमेज देता हूं मैं, से 1 2 3 भाई 3 गोलियां फिर से लगी। भाई कैसे बच रहा था ये, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, और मुझे नहीं लगता इसके पास हेल्थ बची होगी, इतना ज्यादा मैंने इसे डैमेज दे दिया है कि हेल्थ लगाते लगाते इसकी हेल्थ खत्म हो गई होगी। एंड ये जोन के बाहर था तो मैंने सोचा कि इसको जोन में ही नहीं जाने दूंगा, इसकी गाड़ी पूरी फोड़ दूंगा। अब यहां पर मैं फिर से इसे डैमेज देने वाला हूं, देखो भाई साहब कितना डैमेज लेगा ये। देखो यहां पर मैंने मारने की कोशिश की, दूसरी तरफ आया, यहां पर फिर से मैंने 3 गोलियां कनेक्ट की। भाई कितनी किस्मत अच्छी है ना बंदे की, मतलब मैं मार हेड पे रहा हूं बट हेड काउंट नहीं हो रहा, अगर हेड काउंट हो ना तो 2 गोलियों में ही मर जाए ये। अब यहां पर मैंने सोचा था कि इसे जोन में नहीं जाने दूंगा, इसने स्मोक किया तो मुझे लगा गाड़ी लेके निकलेगा, बट ये निकलता है स्केटबोर्ड लेके एंड भाई निकल जाता है ये, मतलब किस्मत अच्छी है बंदे की। मैंने इसे मारने की कोशिश की बट मार नहीं पाया, फिर मैंने सोचा कि चलो ये निकल रहा है तो निकलने देते हैं बेचारे को, क्या तंग करना, इतना तो मारा है इसको, इसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है, बार बार बच रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी अपना होवरबोर्ड या स्केटबोर्ड लेके निकल जाता हूँ पानी में उड़ता उड़ता। अब ये जो होवरबोर्ड इन्होंने दिया ये काफ़ी सही लगा मेरे को, ये पानी में भी चल जाता है एंड आप देखोगे तो ज़मीन पे भी काफ़ी अच्छा खासा चलता है एंड ये ऑटोमेटिक बैग के अंदर भी चला जाता है तो कोई डैमेज नहीं कर सकता। अब जैसे ही मैं इस वाले घर पे आता हूं, मुझे समझ तो आ नहीं रहा था कहां पर होल्ड करूं, तो मुझे सामने की तरफ से हल्का सा साउंड आता है। मैंने सोचा कि चलो इसे बोट फायरिंग करके बता देता हूं कि तेरे घर में आ चुका हूं, तभी मेरे पे नेड आके फटता है तो मैं समझ जाता हूं भाई इसने तो पहले ही मुझे मतलब यहां पर साउंड ले लिया इसने मेरा। तो अब यहां पर इसको पता था मैं यहां पर हूं, मुझे पता था वो वहां पर है बट ये नेड की बारिश कर देता है, तो इस वाले बंदे को मैं मारता कैसे हूं वो देखना। अब सबसे पहले मैं उस वाले बंदे के नेड खत्म होने का वेट करता हूं, जैसे ही मुझे लगता है उसके नेड खत्म हो गए फिर मैं नेड की बारिश करता हूं। पहले मैं एक नेड करता हूं जो सामने वाली खिड़की है उस पर, फिर मैं साइड वाली खिड़की पर एक नेड करता हूं, फिर मैं सोचता हूं कि मोली करके ना सीधा पुश कर देता हूं, उससे पहले मैंने एक और नेड कर दिया, फटाफट से मैं मोली सेलेक्ट करता हूं एंड मोली करने के बाद सीधा पुश करेंगे, क्योंकि मोली करने से क्या होगा ना वो खिड़की की तरफ नहीं आ पाएगा एंड वो खिड़की की तरफ नहीं आएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं पुश कर रहा हूं एंड अगर बाय चांस वो मुझे मारने के लिए खिड़की की तरफ आता भी है तो जल जाएगा। तो यहां पर मैंने इस चीज का फायदा उठाते हुए पुश कर दिया एंड यहां पर देखो भाई बूम बाम, देखो कैसे मरा बंदा, कहां तक बचेगा भाई कहां तक बचेगा। अब यहां पर बंदे को तो मैंने मार दिया था, 10 किल अपने हो जाते हैं, 9 बंदे बचे थे, तो मैंने सोचा कि इसकी गाड़ी खड़ी है गाड़ी लेके निकलेंगे, तो यहां पर आके मैं लूट करने लग जाता हूं, तभी मुझे साउंड आता है गाड़ी का। अब यहां पर मेरे से गलती क्या हुई, मेरे मशीन गन पे लग गया था 4x एंड 4x का स्प्रे भाई मशीन गन पे कैसा चलेगा आपको पता ही है। अब जैसे मैं निकलने की सोच रहा था तभी मेरे को पीछे से पड़ती है, अब पीछे वाले बंदे की वजह से यहां पर मैं रुक जाता हूं एंड मैं सोचता हूं कि उसकी पेटी से थोड़ी सी और लूट ले लूं, तभी मुझे साउंड आता है कि वॉच टावर पे कोई तो है, मैं प्री फायर देता हूं। पहले तो प्री फायर देने के बाद मुझे साउंड आता है कि वो वॉच टावर के अंदर आया है, तो मैंने सोचा कि चलो एक नेड करते हैं। अब जैसे ही मैं नेड करने वाला था वो बंदा निकल जाता है वॉच टावर के बाहर, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, एंड जैसे ही वो बाहर निकलता है मैं प्री फायर फिर से देता हूँ
एंड मार नहीं पाता तो मैं सोचता हूँ कि जोन में निकलते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी जोन में नहीं निकला तो भाई दोनों ही जोन के बाहर मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर वो बंदा भी निकल जाता है, मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ, बट यहाँ पर जो मेरे साथ होने वाला है भाई वो देखना क्या होता है मेरे साथ। अब गाड़ी लेके मैं अच्छी सी लोकेशन पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मार सकता था, नीचे से मुझे बग्गी का कवर मिल रहा था, ऊपर से पहाड़ी का कवर मिल रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं चाहता तो होल्ड कर सकता था, बट मुझे चुल मचती है। हेल्थ वगैरह फुल करने के बाद मैं इधर से निकलता हूँ बंदे की तलाश में। अब होता क्या सीन है, छोटे जोन में ना ऐसे फाइट जैसे मैं ले रहा हूँ ये गलत है। अगर आप कॉन्कर पुश कर रहे हो, मुझे तो किल्स भी निकालने पड़ते हैं क्योंकि गेम प्ले बनाना होता है, तो मैं इस तरीके से खेलता हूँ। अब मुझे सामने की तरफ से जैसे साउंड आया मैंने सोचा चलो इसे मारते हैं। अब सामने वाला बंदा मुझे दिख गया था पेड़ के पास, लेटा हुआ बंदा कोई भी नहीं दिख रहा, पेड़ वाला बंदा दिखा, मैंने सोचा मारने की कोशिश करूँ। तभी मैं जैसे उतरता हूँ भाई पीछे से मुझे पड़ जाती है, पीछे कोई और लेटा हुआ था जो कि मुझे नहीं दिखा। सामने वाले को मैं मार सकता था क्योंकि मेरे पास बग्गी का कवर भी था, एंड आराम से उस वाले बंदे को मैं मार भी सकता था, नेड मोली कुछ भी करके मार देता, वो भी जोन के बाहर था मैं भी जोन के बाहर था, तो पैनिक सिचुएशन में भाई फाइट मैं ले लेता, बट पीछे अगर बंदा ना होता तो पीछे वाले ने पूरी गेम खराब कर दी। बट इस वाले मैच में अपना 19 का प्लस होता है, देख सकते हो अभी मेरी रैंक क्या चल रही है वो आप देख सकते हो। मैं कॉन्कर कर चुका हूं 2 दिन पहले ही, एंड मैंने जैसा कि आप सभी से वादा किया था मैं धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन मैच डेली खेल के रैंक पुश करके दिखाऊंगा। काफी सारे बंदे बोल रहे थे आपसे कॉन्कर नहीं हो पाएगा, भाई पहली बार तो मैं कॉन्कर कर नहीं रहा, मैं 15 से 20 बार कॉन्कर कर चुका हूं भाई, तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको भी पता है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।